गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5। आज हम शुरू करेंगे अपना नया सबक, सबक नंबर 13। आज का काम कल पर ना टाल। बच्चों, इस सबक में ये वैसे दिया गया है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना है। जो काम जिस वक्त पे है उसी वक्त पे हमें उसे पूरा कर लेना है, क्योंकि फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है और हम एक कामयाब इंसान नहीं बन पाते। तो आपका ये सबक है, आप मेरे साथ अपनी उर्दू बुक में आइए, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पर ध्यान से देखिए, मैं इसकी स्टोरी आपको पूरी बता रही हूँ, इसकी मैं कहानी आपको बता रही हूँ कि एक जमींदार था। जमींदार मतलब जमीनों का मालिक, ऐसी जमीनें हो जिसके पास, जिस पर खेती की जा सके। तो वह कहीं से गुजर रहा था, तो जब उसने लोगों की भीड़ देखी कि एक आदमी है और लोगों की भीड़ जमा है, तो उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो लोगों ने जवाब दिया कि एक आदमी बहुत काम की बातें बता रहा है। तो ये भी वहाँ पहुँच गए और इन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ अक्लमंदी की बातें बताइए। तो उस आदमी ने कहा कि इसकी कीमत 100 रुपये है। तो जमींदार तैयार हो गया और जमींदार ने कहा ठीक है, मैं 100 रुपये देने को तैयार हूँ। उसने एक पर्ची पे कुछ लिखा आदमी ने और जमींदार को दे दिया। अब जब घर आकर उसने पर्ची खोली तो उस पर लिखा था, आज का काम कल पर ना टाल। क्या लिखा था पर्ची पर? आज का काम कल पर ना टाल। तो समझ गया वो कि शायद मैं इसी तरह और कामयाब हो जाऊंगा, मुझे आज का काम कल पर नहीं टालना है। अब जब घर पहुंचा बच्चों को, तो अनाज की बोरियां, गेहूं की बोरियां बाहर खुले में रखी थी। तो उसने मजदूरों को बुलाया, मजदूर से कहा, जो मजदूरी करने वाला होता है उसको हम मजदूर कहते हैं। तो बहुत सारे मजदूरों से कहा कि ये गल्ला उठाकर अंदर रख दो। अब मजदूरों ने उसकी बात सुनकर कहा कि आज नहीं कल रख देंगे, वो तो हम सब की आदत होती है ना टालने की कि आज नहीं कल करेंगे। तो उसने तो तय कर लिया था कि आज का काम आज ही होगा, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो आज ही रखा जाएगा। मजदूरों को भी बड़ी हैरत हुई कि हम कल भी रख सकते हैं। उसने कहा नहीं ये तो आज ही रखा जाएगा। ठीक है बेटा। तो मजदूरों ने सारा गल्ला उठाकर अंदर रख दिया। अब क्या हुआ, रात में बहुत सारे किसान थे वहां आसपास, किसी ने अपना गल्ला नहीं उठाया। अचानक रात में बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तेज बारिश होने से सबका गल्ला भीग गया और वही जमींदार जो एक रह गया था उसका गल्ला बच गया, क्योंकि उसने आज का काम कल पर नहीं डाला था, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि काम को वक्त पे अंजाम देना है, जो उसका वक्त है उस पे करना है, कल पर नहीं डालना है, तभी हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप क्या करेंगे, इसका एक पैराग्राफ खुशखत अपनी उर्दू कॉपी में लिखेंगे और उससे रिलेटेड पिक्चर बनाएंगे।